वाह वाह वाह, ये क्या सिस्टम लगाया है भाई, ये बड़े भाई के काम लग रहे हैं। हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई फेरी वाला आ रहा होता है। ओह माशाल्लाह, खुम्बियाँ मशरूम, इसके नीचे कोई चीज ही ना बैठी हो। ओ टूट। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। मुन्ने को सुला के टाऊ झूले दे दे के बड़ी मुश्किल से सोया है। सुबह सुबह उठ जाता है, फिर तंग करना स्टार्ट कर देता है। पिछले व्लॉग में लोग पूछ रहे थे ये आपका बेटा, मैंने कहा नहीं, ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई का बेटा, ये मेरा बेटा नहीं है। देखें अभी आंखें खोल, मेरी तरह ही सोता है, बिल्कुल आंखें खोल के सो रहा है। वाह वाह वाह, ये क्या सिस्टम लगाया है भाई, ये बड़े भाई के काम लग रहे हैं। मेरे ख्याल में टाइम लैप्स वीडियो लगी हुई है। फूल खिलते की वीडियो कह रहा था कल बनानी है, सिस्टम बना दिया उसने, देखते हैं बनती है नहीं बनती। भाई को इन चीज़ों का बड़ा शौक है ऐसी वीडियोग्राफी करने का। अगर इंशाल्लाह वीडियो बन जाती है आप लोगों को भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं। चाय आ रही है, चाय आ गई है। चलें जी, वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। भाई कैमरा वगैरह उठा रहा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह की वीडियो बनी है फूल खिलने की। वीडियो तो अच्छी बनी है, फूल भी खिल रहा है, लेकिन एक मसला आया है कि हवा चल रही थी, इसकी वजह से कैमरा जो है फोकस नहीं कर पा रहा मुकम्मल। लेकिन भाई ने मेहनत की है, जो भी दाँत तो बनती है। मामा ने दूध गर्म करने पर बिठाया हुआ है मुझे। मलाई तो आ गई है उमा, और कितनी देर गर्म करना, मलाई तो आ गई है। मामा कह रही है बस ठीक है, गर्म हो गया, इसका पंखा बंद कर दूँ मैं। इधर से कर दिया बंद। गांव में फेरी वाले इतने ज़्यादा आते हैं कि हमें बाज़ार में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई फेरी वाला आ रहा होता है। ये फेरी वाला जिसकी अभी आवाज़ आ रही थी। हर चीज़ आती है गांव में, शहर की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना आती हो। आज मेरा इरादा था यहाँ की वीडियो बनाने का, गले का, आज हमारे महफिल ही नहीं सजी, बाबे वगैरह बैठे होते हैं इधर, तो बड़ा शुगर लगता है, मज़ा आता है। ये बाबा एक तो आ गया। हाँ बाबा आ गया कि जा भी गया है? नहीं। हाँ पेशाब करके आया, पहला भी आया सी कि हुने आया वा, इत्थों गया वा। अभी आपको कैमरा में 3 जनरेशन नज़र आ रही हैं। ये तीनों जनरेशन जब अपने अपने दौर की बातें करते हैं तो उन बातों में जो तजाद पैदा होता है उसका अपना ही मज़ा है। सुबह के 9 बजे हैं, ठंडी हवा चल रही है, वाले साहब भी आके बैठ गए हैं, गली के 2-3 बाबे और भी हैं, वो भी आके बैठ जाते होते हैं, तो इधर उधर की बातें होती हैं, पुराने ज़माने की बातें होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। गली में महफ़ल ख़त्म होने के बाद जब मैं घर आया तो मामा ने बोला कि जाके हवेली मुर्गियों का हाल हवाल देखाओ। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो हवेली का सत्यानाश हुआ बड़ा। देखें पत्ते छत्ते नीम के गिरे हुए हैं, हर तरफ मतलब कि गंद मचा पड़ा है, सफाई होने वाली है। ओहो काके उरे आप आज क्या पाई के चीज़ दवा, आज क्या पाई के पाई के। देखें जनाब कितनी नीम निकली हुई है, माशाल्लाह नए नए पौधे। भला कितना निकले तेन पता, ऊपर से जो है इसके बीज गिरते हैं और इसकी फिर नीम निकली हुई है प्यारी प्यारी सी। देखें नए पौधे निकले हैं बीज से, बारिश पड़ी है तो उन बीजों से जो है वो पौधे निकल आए हैं। हाँ की करना की लग गया दिखा था जरा की। ओहो माशाल्लाह, खुम्बियाँ मशरूम, इसके नीचे कोई चीज़ ही ना बैठी हो। ओ टूट गया ये तो, क्या बात है माशाल्लाह, छतरी है। हम छोटे होते थे ना, हमें लोग कहते होते थे कि इनके नीचे ये सांप की छतरी है ना, काके सांप की छतरी है ना ये। 90% मशरूम ऐसे होते हैं जिनको आप खा सकते हैं पका के या वैसे, और जो 10% होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। अब वल्लाह आलम ये उन 10% में से है या 90% में से है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार आप फैमिली व्लॉग क्यों नहीं बनाते, मे भी आप जल्दी वायरल हो जाए, आपकी वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे। यार देखें पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों के सजेशन का, आप लोगों की कीमती राय की मैं कदर करता हूँ। दूसरी बात ये कि यार यूट्यूब जो है ना एक लिमिट होती है यूट्यूब पर, वो लिमिट हर बंदे के लिए अलग है। मेरे लिए वो लिमिट अलग है, मास अफदर के लिए वो अलग है, डक्की भाई के लिए अलग है, शबीर जाफरी के लिए अलग है, या मेरे तरह का कोई और यूट्यूबर है उसके लिए वो अलग होगी। बाकी जितना मैं फैमिली को व्लॉगिंग के साथ अटैच कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, जितना नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा। मज़ीद ये है कि अगर मैं वायरल नहीं होऊंगा तो रोज़ी नहीं मिलेगी, अल्लाह को इलम है इस चीज़ का। अगर यूट्यूब से हमारी रोज़ी लिखी हुई तो इसके बगैर भी
अल्लाह ताला हमें YouTube से रिज़क देगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों के सजेशन का बहुत शुक्रिया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं छोटी वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे हम वीडियो जो बनाएँ वो एक नए जोश और जज्बे के साथ बनाएँ। अल्लाह हाफिज़।